आज तुमसे बिछड़े 18 साल 6 माह और 9 दिन हो गए, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे तुमसे मोहब्बत थी। यकीनन मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं थी। बहुत सी तारीखें मुझे याद रहती हैं, तुम साथ पढ़ती थी, साथ प्रोजेक्ट्स करती थी। तो अगर तुम मुझे अच्छी लगने लग गई तो ये मोहब्बत तो नहीं थी। कोई जानवर भी साथ रहे तो अच्छा लगने लग जाता है। मैंने आज तक तुम्हारी सारी ईमेल जो मुख्तलिफ नौइयत की हैं आज तक सेफ रखी हैं। तुम्हारी हर हर तस्वीर मेरे पास महफूज है, मगर ये मोहब्बत तो नहीं, क्योंकि बहुत से कारोबारी ईमेल्स और इवेंट्स पिक्चर भी सेव हैं। आज भी कई दफ़ा आंखें बंद करूं तो तुम्हारा चेहरा सामने आ जाता है, पर वो तो बहुत से भूले भटके चेहरे सामने आ जाते हैं। तो इसको मोहब्बत नहीं समझना चाहिए। तुम्हारे साथ बीता हुआ हर पल मुझे पूरी तरह याद है, मगर कल का मीटिंग शेड्यूल भूल जाऊं ये और बात है। मगर ये मोहब्बत नहीं, क्योंकि जवानी की और यादें भी रहती हैं और मौजूदा चीज़ें इस उम्र में भूल जाती हैं। आज भी तुम्हारे साथ सुने हुए गाने और घूमी हुई जगहों पर कभी जाना हो तो आंखें नम हो जाती हैं, मगर ये भी मोहब्बत नहीं है। इसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं, मोहब्बत नहीं। तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें कहा करता था, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। उस दिन तो तुम खामोश रही, मगर अगले दिन मुझे एक लेक्चर पिला दिया कि ये सब बकवास होती है, हम सिर्फ दोस्त हैं। मगर साथ में तुमने ये भी कहा था कि तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी तरफ मायल हूँ, मगर तुमने कहा था कि ये मोहब्बत नहीं, मेरा बचपना है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझे जो मोहब्बत थी वो बचपना था, क्योंकि तुम जिस शख्स को पसंद करती थी और जिससे तुमने शादी की, उस वक्त वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा माशी और माशरती तौर पर तहफ़ुज़ दे सकता था। वो अकेला बेटा था, मेरा नंबर शादी का अभी देर से था। वो उस वक्त भी तुम्हें अलग घर गाड़ी लेकर दे सकता था, जबकि उस वक्त मेरे पास एक पुरानी बाइक थी। तो जाहिर है मेरी मोहब्बत मोहब्बत तो ना थी। तुम्हें मालूम है मेरा स्टेटस तुम्हारे शोहर से इस वक्त बहुत ऊपर है। मेरी बीवी एक दिन में इतनी शॉपिंग कर सकती है जितनी शायद तुम एक साल भी ना कर पाओ। मैंने अपनी बेगम को आसाशात से ला दिया है। वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है और मैंने उसे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो मेरी पहली मोहब्बत नहीं, बल्कि मैं अपनी बेगम को बहुत चाहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे उस वक्त कबूल किया जब मैं अभी इतना माशी तौर पर मजबूत ना था। तुमने जो उस वक्त किया वो ठीक किया, और जो मैं तुम्हें कभी अपने दिल से ना निकाल सका, मेरा इख्तियार ना था। मगर यकीन मानो, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ बचपना था। शायद आज भी मैं अपने बचपने में हूँ। आपका क्या ख्याल है?